मृत्युंजय इस घट में अपना कालकूट भर दे पुवाज, हो मंगलमय पूर्ण सदाशिव रुद्र रूप धर ले। मृत्युंजय इस घट में अपना कालकूट भर दे पुवाज, हम प्रतिकूलता में उदास हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते। भगवान शंकर जी के यहां सारी प्रतिकूलता पूंजीभूत होकर के और वो उसको पान कर जाते हैं, विष पान कर जाते हैं। मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते ही सही, जो चल पड़ा है। मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले नहीं। ये धन देखती है कि मेरे बेटे की शादी, कन्या पक्ष की माता धन क्यों देखती है कि मेरी बेटी जिस घर में ब्याही, उसे स्टैंड बनाने के लिए दिया। क्योंकि वहां के महाराजा है, महाराज आपका दोस्त है। बनाते हैं लेकिन अपना हिंदू नववर्ष जो भूल चुके हैं हमारे परिवार, नई पीढ़ी जो उन्हें पता नहीं कि हिंदू नववर्ष क्या है, इसकी कथा क्या है, इसकी कथा क्या है, वो जैसा देखते वैसे चलते हैं। हम विदेशी चीज को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को हम भूलते हुए जा रहे हैं। उनको प्रेरणा देने के लिए हमने ये आयोजन हर तत्पर करते रहते हैं और अति कृपा महादेव की, श्री राम की और जितने देवता हमारे प्रमाण हैं सबकी है। मेरा सबसे एक चरणों में जो हमारे युवक लड़के हैं, हमारे माँ बाप हैं, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें, उससे क्या प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा स्रोत होता है। मेरे माँ बाप ने और मेरे गुरुजनों ने 5 चीज़ का मुझे वर्णन दिया था जो मैं उस आधार पर चल रहा हूँ। सब में पहला वर्णन है धर्म, दूसरा वर्णन है कर्म, तीसरा वर्णन है हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये भी मेरे गुरुदेव ने और मेरे माता और पिता ने बताया है। चौथा प्रश्न हाथ का सच्चा, पांचवा प्रश्न है लंगोट का पक्का, जीवन में कभी भी मार नहीं खाने का। और बुद्धिजीविक ज्ञान जो हिंदू नववर्ष इस महादेव के मंदिर पे शिव परिवार का आयोजन लेके हम सब बना रहे हैं, ये बती बहुत हर्ष का विषय है। और ये अमृत वर्षा हरिद्वार देवभूमि नगरी में बरस रही है, आओ हम मिलकर हिंदू नववर्ष बनाएं। और एक कथा में ही जो रसमयी कथा है जो मुखारविंद से हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, उसमें एक रसपान और एक डुबकी लगा के जाए, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। हर हर महादेव, भारत माता की जय।